क्या ये ट्रिक आप सीखना चाहते हैं? ये ट्रिक कोई भी कर सकता है, कोई भी साइकिल पे। ये ट्रिक करने से पहले आप हेलमेट पहन लीजिए। ये ट्रिक को चूरवा बोला जाता है। ये ट्रिक सीखने से पहले आपको सर्फिंग सीखना पड़ेगा। सर्फिंग सीखने के लिए मेरा पुराना रील्स चेक कीजिए। सर्फिंग सीखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि बैलेंस अपने पैर से कैसा करना पड़ेगा। हल्का सा स्पीड लेके एक पैर सीट में कुछ इस तरह के पोजीशन पे रखिएगा जैसे आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद अपना दूसरा पैर का टिप अपने हैंडल के टिप पे रखिएगा जैसे आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद बैलेंस समझने का कोशिश कीजिए दोनों हाथ हैंडल पे रखकर। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप अपना पैर से कंट्रोल कर पा रहे हैं हैंडल को, आस्ते आस्ते हाथ छोड़ने का कोशिश कीजिए। आपको बैलेंस ऐसा करना पड़ेगा कि 50% प्रेशर आप राइट साइड पे देंगे एंड 50% प्रेशर आपके लेफ्ट साइड पे देंगे अपने पैरों से कंट्रोल करने के वक्त। उसी के साथ साथ आपका पैर जो हैंडल पर है उसे कंट्रोल करके चूरो को आगे लेके जाने का कोशिश कीजिए। चूरो सीखने के बाद आप सर्फिंग एंड चूरो को कंबाइन करके ये ट्रिक कर सकते हैं। और कौन कौन सा ट्रिक का ट्यूटोरियल बनाना चाहिए मुझे ये बताइए। और भी ट्रिक सीखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।